काफी लंबे टाइम से मैंने कोई स्ट्रॉन्ग एसिड अपने फेस के ऊपर अप्लाई नहीं किया है, ना रेटिनॉल किया है, ना ट्रेटिनोइन किया है, ना ग्लाइको किया है, मैं कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो मेरी स्किन में एक मुझे अलग सा डलनेस फील होता था, लेकिन जब मैं ट्रेटिनॉइन यूज़ करती थी ना, तो मेरी स्किन में ये जो नोज एरिया है और मेरा ये वाला जो साइड का चिक्स का एरिया है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्लासी लगता था, मतलब मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। और ट्रेटिनॉइन मेरी स्किन को एक्सफोलिएट करता था, वो सभी की स्किन को एक्सफोलिएट करता है, डे बाय डे स्किन इंप्रूव होती है, नई स्किन निकल कर आती है, तो वो ग्लास ग्लास सी फील कराती है आपको, चाहे आपका टोन जो भी हो, आपका कलर कोई भी हो, कॉम्प्लेक्शन कोई भी हो, लेकिन वो स्किन को क्लियर करती है। तो इस कुछ टाइम से मैं ट्रेटिनॉइन यूज़ नहीं कर रही हूँ। मेरे पास उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि मैं ट्रेटिनॉइन क्यों यूज़ नहीं कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी कि मैं इतने टाइम से ट्रेटिनॉइन क्यों यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन अभी लास्ट में एक वीडियो लेकर आई थी जिसमें मैंने कहा था कि मैं इन दिनों कोई एसिड अपने फेस के ऊपर नहीं अप्लाई करूंगी या कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल अपने चेहरे के ऊपर नहीं यूज़ करने वाली, तो एक्ने स्कारिंग स्किन के लिए, यानी कि एक्ने तो मेरे रिमूव हो चुके, लेकिन जैसे कि मुझे कभी भी एक्ने निकल कर आ जाते हैं, तो उसके बाद उसके मार्क्स भी रहते हैं, स्कार्स भी होते हैं, तो वो मुझे ना हो उसके लिए मैं एक अच्छा रूटीन जाती थी। तो 15 डेज पहले मैं एक रूटीन लेकर आई थी जिसमें न्यूट्रीजेना के कुछ प्रोडक्ट थे और ये कॉजरक्स का एक एसेंस था, उसमें कोई सिरम नहीं था, कोई एक्सफोलिएशन नहीं था, स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं था। तो मैंने एक रूटीन स्टार्ट किया था कि वन मंथ बाद अगर मेरे को अच्छा बेनिफिट मिला, अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो मैं आप लोगों के साथ वो ज़रूर शेयर करूंगी। तो उसका एक प्रोडक्ट है जिसका मैंने बहुत ज़्यादा सुना था, एडवांस स्नेल 96 म्यूसिन पावर एसेंस जो कि कॉजरक्स का है, इसको मुझे यूज़ करना था। मैंने इस पर बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे थे और मुझे लगता था कि मुझे एक बार ये एसेंस यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैंने बहुत सारे डिफरेंट सिरम यूज़ किए हैं, लेकिन मैंने कभी कोई एसेंस यूज़ नहीं किया। एक्चुअली मुझे तो पता भी नहीं था कि एसेंस होता क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कितना है, कैसे है। तो मैंने ये चूज किया कि मुझे अब जैसे कि एक अच्छे प्रोडक्ट की नीड है, तो मैं सिरम वगैरह जैसे कि यूज नहीं कर रही हूं, तो मैं इस वक्त इसको, इस एसेंस को यूज कर सकती हूँ। ये मुझे कोई केमिकल नहीं है, ये कोई स्किन को मेरे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है या कोई प्रॉब्लम नहीं करने वाला है, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। तो उन जो कुछ प्रोडक्ट्स मैं लेकर आई थी उसके अंदर एक प्रोडक्ट ये था, मॉइस्चराइज़र के साथ साथ और कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो इसका एक बेनिफिट जो कि मुझे इन 15 डेज में फील हुआ, वो ये है कि ये मेरी कहीं खो गई थी, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस लौट कर आ रही है। तो इस वीडियो के बारे में मैं आज रिव्यू करने जा रही हूँ, या आपको कुछ इसके बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। मैं कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन हाँ, मैंने इसमें क्या बेनिफिट देखा, अगर आप अपने लिए ये चूज़ करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या इतने पैसे आपको लगाना सही लगता है नहीं लगता, आपको इतना इन्वेस्ट करना भी चाहिए इस पर या नहीं करना चाहिए, ये एक्चुअल में है क्या, स्किन में किस तरीके से काम करता है, किन के लिए अच्छा है, किन के लिए अच्छा नहीं है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगी। अगर कॉजरक्स आप यूज़ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप लोग के अंदर कन्फ्यूज़न है इसको लेकर, तो आप ये वीडियो पूरा वॉच कर सकते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि आपको ये यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किन स्किन वालों को ये यूज़ करना चाहिए, किन लोगों को ये अच्छे बेनिफिट्स दे सकता है, अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय, वेलकम टू बैक माय चैनल समथिंग न्यू विद राशि। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है newrashi123 के नाम से। इस वीडियो से रिलेटेड, अगले पिछले किसी वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर मैसेज कर सकते, वरना मेरे को यहां पर कमेंट कर सकते, मैं डेफिनेटली आपके मैसेज का रिप्लाई, कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी। आज का जो मेरा वीडियो है वो है कॉजरक्स के स्नेल 96 एडवांस म्यूसिन पावर एसेंस के ऊपर, जो कि आपके स्किन की 1, 2, 3 नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करता है। जब पर्टिकुलर कोई एक प्रॉब्लम होती है स्किन के अंदर, तो हम उसके लिए कोई एक एसिड चूज़ करते हैं, लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, फिर भी ये आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, यानी कि आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को टारगेट करता है, आपकी स्किन को सूथ करता है, स्मूथ करता है, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो उसको डाउन करता है, स्किन के पिगमेंटेशन को, या किसी भी तरीके का उसमें फ्रैकल्स हो रहा हो या किसी भी तरीके का अनइवन हो रहा हो, ये उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। ये एक्चुअल में क्या है, किस तरीके से काम करता है, तो मैं आपको इसके कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगी, जिससे आप लोग को आइडिया हो सके ये जो कॉजरक्स स्नेल 96% म्यूसिन पावर एसेंस से ही आपकी स्किन में किस तरीके से वर्क करेगा और क्या काम करेगा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज कॉजरक्स। तो कॉजरक्स इज मेड 96.3% स्नेल म्यूसिन। ये जो है, ये इसमें क्रीम भी अवेलेबल है, सिरम भी अवेलेबल है। स्नेल जो म्यूसिन है या ये जो पावर एसेंस है, ये बना हुआ है स्नेल के म्यूकस से। इसका मेन इंग्रेडिएंट 96.3% स्नेल सेक्रेशन फिल्टर है, जो कि सोडियम हाइड्रोनेट, आर्जिनिन और एलेंटोन है। कॉजरक्स 96.3% स्नेल म्यूसिन जो पावर एसेंस है, ये कॉम्बिनेशन है, एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन है, हाइलुरोनिक एसिड है, इलास्टिन है, कॉलेजन है,
एंटीऑक्सीडेंट है। ये जो पावरफुल एसेंस बना है ये एक कॉम्बिनेशन से बना है जो कि आपकी स्किन का जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है, आपकी स्किन को सूट करता है। बात करते हैं कोजारक 96.3% जो स्नेल म्यूकस है, जो पावर एसेंस है, वो स्किन में काम क्या करता है। तो ये हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, हमारी स्किन का जो इन्फ्लेमेशन है ये उसको कम करता है, उसकी रेडनेस को कम करता है, उसकी स्वेलिंग को कम करता है, इन्फ्लेमेशन की स्वेलिंग को कम करता है, हमारी स्किन के अंदर जो पानी है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, रिंकल्स फाइन लाइंस को कम करता है, एक्ने मार्क्स को कम करता है, पिगमेंटेशन को कम करता है, हमारे स्किन के बैरियर को रिपेयर करता है, हमारी जो डैमेज स्किन है उसको हील करता है, स्किन में हाइड्रेशन और इलास्टिसिटी बढ़ाता है, ड्राई स्किन के जो पैचेस बन जाते हैं ये उनको रिमूव करता है और हमारे स्किन के अंदर वाटर का लॉस नहीं होने देता है। अब बात करते हैं ये कैसा है या यूज़ करने पे कैसा लगता है। तो फर्स्ट तो ये कि ऑल स्किन टाइप पे इसको कोई भी स्किन टाइप वाला इंसान हो यूज़ कर सकता है, गर्ल्स हो बॉयज़ हो आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी प्रोडक्ट जब यूज़ करने जा रहे हैं तो एक बार प्लीज़ स्ट्रेस टेस्ट लें, क्योंकि हर चीज़ का थोड़ा सा साइड इफेक्ट भी हो सकता है। पता नहीं सबकी स्किन एक जैसे नहीं होती, कई लोगों को ये सूट होता है, कईयों को नहीं होता है। मुझे तो वैसे लगभग सारे प्रोडक्ट सूट हो जाते हैं, तो ये भी मुझे सूट हो गया है। इसको जब मैं फेस के ऊपर अप्लाई करती हूँ तो बहुत ईजिली स्प्रेड हो जाता है, थोड़ा सा मतलब यूँ लगता है ये चिपचिप करता है, लेकिन एक वाटर की तरह होता है, एक जेल फॉर्म की तरह होता है। जब मैं इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करती हूँ तो मैं कम से कम 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से अपने फेस के ऊपर इसकी मसाज करती हूँ, 2 से 3 स्पंप मैं इसके लेती हूँ, वो इनफ होते हैं मेरी स्किन के लिए। मैं इसको मॉर्निंग टाइम में भी यूज़ कर रही हूँ, नाइट टाइम में भी यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखता है, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि स्किन सीरियसली पूरा दिन बहुत ज़्यादा स्मूथ मुझे फील लगती है, सिल्की मुझे अच्छी लगती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मेरी स्किन होने लगी है, ऐसा मुझे लग रहा है इसको यूज़ करने के बाद। जब मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मॉर्निंग टाइम में मैं फेस वॉश के बाद पहले इसको अप्लाई करती हूँ, कोई सीरम अप्लाई नहीं करती हूँ, उसके बाद मॉइस्चराइजर और फिर सनस्क्रीन। बस नाइट टाइम में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं कोई एसिड यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो फेस वॉश के बाद पहले मैं इसको यूज़ करती हूँ, फिर मैं एक मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग इसको यूज़ करते हैं तो आप इसको यूज़ करने के बाद ट्रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं, ग्लाइको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप उनको इसके साथ यूज़ करते हो तो ये रिएक्शन कर जाएगा या आपको कोई प्रॉब्लम कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी स्किन टाइप हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन में एक्ने के बाद या अभी एक्ने चल रहा है और आपको लगता है कि उसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रहा है, तो मुझे लगता है आप लोगों को एक बार डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, उनकी इतनी ड्राइनेस होती है कि उनकी स्किन में पैचेस बनने लगते हैं ड्राई, वैसे कहीं से व्हाइट, कहीं से ब्लैक, कहीं से व्हाइट, उन लोगों को ये डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। जिन लोगों की स्किन में हाइड्रेशन बिल्कुल नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं है, या उनको लगता है मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा खिंची खिंची नज़र आती है, कभी भी इतनी हाइड्रेट नज़र ही नहीं आती है, तो वो लोग इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। फाइन लाइन्स रिंकल्स के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग ये सोचते हो ये एक प्रोडक्ट इन सारी प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके साथ आप अपने स्किन केयर इंग्रेडिएंट जो भी यूज़ कर रहे हैं डेली रूटीन में, कोई एक अगर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं लाइक ट्रेटिनोइन, ग्लाइको, कोजिक या फिर अल्फा आर्बिटिन या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो आप अपना कंटिन्यू रखें। इसके भरोसे अगर आपकी स्किन के अंदर प्रॉब्लम है तो आप ये नहीं कि मैं उसको स्किप करके अब सिर्फ इसी को यूज़ करता हूँ। अगर आप कोई सीरम यूज़ कर रहे हैं तो आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं इसके साथ। लेकिन अगर आप रेटिनॉल बेस्ड, नियासिनामाइड बेस्ड या ग्लाइकोलिक बेस्ड अगर ऐसा कोई सीरम यूज़ करें तो आप उसको भी इसके साथ बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। इसके साथ उसको यूज़ करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका कोई और ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई ऑयलमेंट वगैरह आप यूज़ करते हो तो आप वो भी इसके साथ यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप पहले पैच टेस्ट लो, तब जाकर आप इसको यूज़ करो, डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं करना है। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, जैसे कि इसका प्राइस 1450 पे मेंशन है और ये मुझे स्मिटिन से जैसे कि मैंने लिया तो मुझे 1250 या 1280 के आसपास पड़ा, थोड़ा सा डिस्काउंट करके मुझे मिला। तो मैं इसको डेफिनेटली ट्राई कर रही हूँ अभी और आने वाले टाइम में मैं इसको यूज़ करना चाहूँगी। जब तक मैं कोई ट्रेटिनोइन या ग्लाइको वापस अपने रूटीन के अंदर नहीं ऐड करती हूँ तब तक तो मैं इसको यूज़ करूँगी। जो लोग एक ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जिसमें ज़्यादा केमिकल ना हो, जो स्किन को एक्सफोलिएट वगैरह ना करे, या थोड़ा सा नॉर्मल अच्छा प्रोडक्ट हो, तो आप लोग डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। तो ये मेरे लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे बहुत पसंद आया है। और जो एक मंथ बाद जो मेरा रिव्यू निकल कर आएगा या जो मेरे रिजल्ट्स निकल कर आएंगे, जो मैं 2-3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन यूज़ करूँ, वो भी आप लोग ज़रूर देखें। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोग के अंदर डाउट है इसको लेकर, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, वरना मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।